हे केशव, ये तो मुझे ज्ञात हो गया कि किस तरह की भक्ति से आपको प्राप्त किया जा सकता है। अब आप कृपा कर मुझे ये बताएं कि प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय क्या है। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता के रूप में भी विराजमान हूँ। और हे अर्जुन, इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान है। अब तुम्हारे मन में कर्म क्षेत्र को जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न हो रही होगी, तो सुनो, कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं तथा यह कहां से उत्पन्न होता है, कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में ऋषियों ने कर्म क्षेत्र तथा उन्हें जानने वालों के ज्ञान का वर्णन किया है। वेदांत सूत्रों में इसे स्पष्ट रूप से तर्क सहित बताया गया है। अब तुम मुझसे सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। हे पार्थ, तुम तो जानते ही हो कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं। ये पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां, मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य आदि को कर्म क्षेत्र कहा गया है। विनम्रता, दंभहीनता, किसी को नहीं सताना, क्षमा भाव, मन तथा वाणी आदि की सरलता, ये सब ज्ञान के रूप हैं। इसके साथ साथ भक्ति सहित गुरु सेवा तथा इंद्रियों विषयों का त्याग भी ज्ञान के अंश हैं। लोक परलोक के लोगों के प्रति आसक्त ना होना, अहंकार का त्याग, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री तथा अन्य मोहमाया से मुक्ति, ये सब भी ज्ञान है। इन सब के अतिरिक्त मेरे प्रति भक्ति भाव रख, जन समूह से बिलगाओ, आत्म साक्षात्कार की महत्वता स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, ये सभी ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सभी अज्ञान है। आत्म संयम, स्थिरता, पवित्रता, अहिंसा, विनम्रता, सहिष्णुता, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार, अभाव और दंभहीनता, मेरे प्रति अनन्य भक्ति तथा अच्छे बुरे वक्त में सम रहता, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था की अनुभूति, बच्चे स्त्री घर में ना हो ममता, एकांत प्रिय हो सत्य का खोजी, इन सब को ही ज्ञान घोषित में करता। अब सुनो, ये क्या है। आत्मा अर्थात ब्रह्म ही ज्ञेय है, अर्थात जानने योग्य है, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म जो अनाद है, वो मेरे अधीन है।
ये भौतिक जगत के सत असत से परे है तथा उनके हाथ पांव नेत्र सिर तथा कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वो इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होते हुए भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। वे चर अचर सभी प्राणियों के भीतर बाहर परिपूर्ण हैं और चर अचर भी स्वयं वही हैं। उनके सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा ना तो देखा और ना ही समझा जा सकता है। दूर रहते हुए भी वो हमारे अत्यंत निकट हैं। मेरे अधीन ही है रे अर्जुन, ब्रह्म या आत्मा जो है कहाए। जग के कार्य कारण से परे में सर्वत्र अंग है मेरे समाए। सब वस्तुओं में व्याप्त में अर्जुन, सब वस्तुओं में व्याप्त में अर्जुन, जीव मुझे कण कण में पाए। दूर बहुत में लेकिन अर्जुन, भक्त मुझे निज पास है पाए। दूर बहुत में लेकिन अर्जुन, भक्त मुझे निज पास है पाए। हे अर्जुन, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि परमात्मा सभी जीवों के मध्य विभाजित हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। वे तो एक रूप में स्थित हैं। वो ना सिर्फ सभी को जन्म देकर पालन पोषण करता है, बल्कि वो उनका संहार भी करता है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। इसके साथ ही वो भौतिक अंधकार से परे और अगोचर भी हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य भी हैं। ये जान लो कि वो सबके हृदय में वास करते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में बतलाया। इसे केवल वही समझ सकते हैं जो मेरे भक्त होते हैं। इस तरह वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके गुण तथा अवगुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कार्यों तथा कारणों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का उपभोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। फिर भी हे अर्जुन, इस शरीर में परमात्मा रूपी एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साथ ही साक्षी तथा अनुमति प्रदान करने वाले के रूप में भी विद्यमान है। जो व्यक्ति प्रकृति,
जीव तथा प्रकृति के गुणों को समझ लेता है, उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। ध्यानी पुरुष ध्यान के द्वारा, ज्ञानी पुरुष ज्ञान के द्वारा तथा कुछ अन्य लोग अपने कर्म योग के द्वारा अपने अंतःकरण में परमात्मा के दर्शन करते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, परंतु अन्य ज्ञानियों से परम पुरुष के विषय में सुनकर, उनकी पूजा करके वे जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। पार्थ, तुम ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिखाई दे रहा है, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनिष्ठ होता है, वही वास्तव में देखता है। जो प्राणी समान भाव से सभी में स्थित परमेश्वर को देखता है, वो मन के द्वारा कभी अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो परम गति को प्राप्त होता है। जो यह समझता है कि संपूर्ण कर्म प्रकृति अर्थात शरीर के द्वारा ही संपन्न हो रहे हैं और आत्मा के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा, वास्तव में वही यथार्थ के दर्शन करता है। हे अर्जुन, हे गांडीव धारी, सृष्टि रहस्य वो ही जानता है। आत्मा को परमात्मा मान के सबके शरीरों में जो देखता है, अविनाशी आत्मा परमात्मा को, अविनाशी आत्मा परमात्मा को, देह को नश्वर जो मानता है, वो ही सृष्टि रहस्य को समझे, ज्ञानी वो अर्जुन कहलाता है। वो ही सृष्टि रहस्य को समझे, ज्ञानी वो अर्जुन कहलाता है। जब प्राणियों के अलग अलग भाव एक ही परमात्मा में स्थित दिखाई दें और ऐसा लगे कि उस परमात्मा से सभी प्राणियों का विस्तार हो रहा है, तब उसे ब्रह्मबोध की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जिनकी दृष्टि शाश्वत हो, वो देख सकते हैं कि अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी ना तो कुछ करता है और ना ही किसी कार्य में स्थित रहता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह देह में स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है।